हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये सेवन्थ क्लास की रेनबो का लेसन 16 आज हम अध्ययन करेंगे। 15 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम। और मैं आपको एक और बता दूं, क्लास 5 से लेकर इंटरमीडिएट यानी 12th तक की सारी इंग्लिश ग्रामर सहित मैं पढ़ा चुका हूँ। सभी वीडियो पढ़े हुए हैं, आप बड़े आराम से ध्यान से देखिएगा, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलते हैं लेसन नंबर 16 की ओर। और टॉपिक है इसका, टाइटल है सेव वाटर सेव लाइफ। सेव वाटर, यहां क्रिया से सेंटेंस स्टार्ट होता है, बचाओ पानी, मतलब पानी बचाओ जीवन बचाओ, दोनों का मतलब ये हो गया, पानी बचाने से जीवन बचाना है, तो पानी ही जीवन है। देखिए इस स्टोरी में क्या है, आकाश लिव्स इन ए विलेज, आकाश एक गांव में रहता है, ठीक है। लिव्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी है इन हिज विलेज, उसके गांव में पानी की कमी है। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, ग्रामीणों ने निर्णय किया टू सेव बचाने के लिए ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की एक एक बूंद बचाने का प्रयास किया। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उस रेनी सीजन के दौरान, बरसात की सीजन के दौरान, दे डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट दिस आइडिया, उन्होंने निर्णय किया टू इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट का मतलब क्रियान्वित करना, किसी चीज को लागू करना, दिस आइडिया, इस विचार को लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने निर्णय किया, एज सून एज, जैसे ही इट स्टार्ट रेनिंग, जैसे ही बरसात स्टार्ट होती है, बरसात शुरू होती है, पानी बरसता है, उन्होंने निर्णय कर लिया, बोले अब पानी को बचाना है। द न्यूज गेट्स पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर, और ये जो न्यूज है गेट्स पब्लिश्ड, और ये समाचारों में छप गई, ये खबर समाचार पत्रों में पब्लिश हो गई, मतलब छप गई। आकाश रिसीव्स ए लेटर, आकाश को प्राप्त होता है क्या, एक लेटर From his cousin पूजा, अपनी चचेरी बहन पूजा से, in this regard, इस संबंध में, he gives a quick reply, और वह का मतलब आकाश, आकाश के लिए ही ये प्रोनाउन है, he gives a quick reply, और वह शीघ्र ही उसको उत्तर देता है, किसको, अपनी कजिन पूजा को। यहां से लेटर लिखने का आप लोग तरीका भी समझ लीजिएगा, ये लेटर लिखने का तरीका भी नीचे समझाया गया है, तो कैसे लेटर लिखा जाता है ये भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो देखने में हो सकता है 2-4 मिनट ज्यादा लगे, लेकिन आपको उतनी नॉलेज भी ज्यादा मिलेगी, मैं एक एक चीज बड़ी क्लियर करके पढ़ाता हूँ। आप लोग मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत सराहा जा रहा है आप लोगों के द्वारा, सब्सक्राइबर भी आप रोजाना बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर निवेदन करूंगा, आप अपने द्वारा सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली में जितने भी फोन हैं सबके द्वारा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के द्वारा भी करवाइएगा। चलते हैं आगे, तो कोई भी लेटर लिखा जाता है ना, उसमें सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है, विलेज एंड पोस्ट, गांव और पोस्ट, क्या है, बिसरा, बिसरा कोई गांव है, तहसील सिराथू, सिराथू कोई तहसील है, डिस्ट्रिक्ट कौशाम्बी, कौशाम्बी एक जिला है उत्तर प्रदेश का। लेटर इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे पहले एड्रेस आ जाएगा, उसके नीचे फिर डेट आ जाती है, 27 अक्टूबर 2018, ठीक। चलिए अब यहां से लेटर स्टार्ट होता है, आई एम रियली हैप्पी टू रिसीव योर लेटर रिगार्डिंग द आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से संबंधित आपके उपायों के बारे में जो पत्र लिखा है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आई एम रियली हैप्पी, मैं बहुत प्रसन्न हूं टू रिसीव योर लेटर, तुम्हारा पत्र मिला, रिगार्डिंग माने किस संबंध में, आइडियाज ऑफ वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण से संबंधित। You are aware of things, तुम जागरूक हो, कौन सी चीजों के बारे में, happening around, जो आपके आसपास घटित हो रही है। I appreciate your curiosity, मैं सराहना करता हूँ आपकी curiosity की, curiosity का मतलब होता है किसी उत्सुकता को लेकर, and concern for the natural resources, और जो प्राकृतिक संसाधन है उनके प्रति जो लेकर उत्सुकता है आपकी, उसके लिए, keep it up, इसको जारी रखो। These qualities will definitely help you, ये जो गुण है, qualities में नहीं, ये गुण है, will definitely help you, आपको जरूर, आपको मदद करेंगे, you
टू ग्रो, आगे बढ़ने के लिए इन रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने में ये चीजें आपको मदद करेंगी। यू हैव राइटली गेस्ड दैट, तुमने सही अनुमान लगाया। यू हैव राइटली गेस्ड, तुमने सही अनुमान लगाया दैट आई हैव अटेंडेड द इनॉग्रल फंक्शन, मैंने अटेंड किया है एक इनॉग्रल फंक्शन काय का प्रोग्राम, मतलब वार्षिक प्रोग्राम काय का, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम इन माई विलेज, मेरे अपने गांव में। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू सेव समथिंग, कंजर्वेशन शब्द का जो मतलब होता है वो क्या होता है, टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना। इट मे बी एनी नेचुरल रिसोर्स लाइक वाटर, ये कोई भी चीज हो सकती है, लाइक वाटर, पानी हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, मतलब बिजली भी हो सकती है, ऊर्जा हो सकती है, सोइल मिट्टी हो सकती है, प्लांट पेड़ होते हैं और एनिमल, ये कोई भी चीज हो सकती है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको बचाने का कोई भी चीज। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल संरक्षण का मतलब है कंजर्विंग वाटर इन पॉन्ड, पानी को तालाब में इकट्ठा करना, संरक्षित करना, वेल्स कुओं में, एंड द इन द फील्ड्स टू रेज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, और फील्ड में अगर इकट्ठा कर देते हैं तो पानी भूमिगत जाकर वाटर लेवल को बढ़ा देता है। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग एरा, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। एरा होते हैं युग, जमाना, युग। वी आर लिविंग इन ए चैलेंजिंग, हम एक चुनौतीपूर्ण युग में रह रहे हैं। रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज, रथलेस कटिंग का मतलब होता है अंधाधुंध कटाई, अंधाधुंध कहते हैं बेशुमार कटाई हो रही हो किसकी, पेड़ों की, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, और जंगलों का विनाश हो रहा हैव रिजल्टेड इन स्केंटी रेनफॉल, और ये क्या करते हैं, परिणाम स्वरूप पानी कम बरसता है। दिस लीड्स टू द स्केयरसिटी ऑफ वाटर, और ये पानी का अभाव पैदा कर देता है, ऑलमोस्ट प्राय एवरीवेयर विच इज adversely affecting the cultivation of crop, और यह यहां पर आ गया everywhere which is adversely affecting, जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है cultivation of crop, फसल की, फसलों को, खेती को बुरी तरह से प्रभावित करता है। How can we happy with thirsty soil, हम कैसे खुश रह सकते हैं जब मिट्टी प्यासी हो, प्यासी भूमि के साथ, प्यासी मिट्टी का मतलब जब सूखा पड़ी हुई हो। इफ द फील्ड्स डू नॉट गेट प्लेंटी ऑफ वाटर, अगर खेतों को पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी ऑफ का मतलब पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है, द प्रोडक्शन ऑफ फूड गेट्स अफेक्टेड, और जो पैदावारी है वो प्रभावित होती है, एंड द विलेजर्स स्टार्ट माइग्रेटिंग टूवर्ड्स सिटीज, और ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं अन्य स्थान पर, माइग्रेट माने अन्य स्थान पर चले जाना, टुवर्ड्स सिटीज, द सिटीज गेट्स ओवर क्राउडेड, और शहरों में भीड़ बढ़ती गई है, रिजल्टिंग इन एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, और पानी और हवा प्रदूषित हो गई है। द गवर्नमेंट हैज मोटिवेटेड ऑल द सेक्शंस, जो सरकार है वो मोटिवेट कर रही है, मोटिवेट कर, मोटिवेट का मतलब प्रेरित करना है, ऑल द सेक्शंस, हर तरह से ऑफ सोसाइटी, समाज को, टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, अगले पेज पे आओ, कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी की प्रत्येक बूंद को बचाने के लिए, वी आर द विटनेस ऑफ द इम्पिटाइट एंड ड्राइड अप रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वी आर विटनेस, हम लोग गवाह हैं, साक्षी हैं, किस चीज के, टू एम्पटाइट, एम्पटाइट का मतलब एम्पटी माने खाली, और एम्पटाइट मतलब खाली होती हुई, ड्राइड माने सूखा पड़ी हुई, किस चीज में, नदियों में, तालाबों में, कुओं में और ट्यूबवेल में, पानी नीचे चलते चले जा रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके घर के आसपास अगर कहीं बोरवेल अगर होता हो तो वहां देखिएगा, पानी हर बार नीचे चला जाता है। वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमको चुपचाप नहीं बैठना चाहिए, अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स, वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं टू हार्वेस्ट रेन वाटर,
रेन वाटर के द्वारा डिफरेंट लेवल पर खेती करने के लिए और जल का संचयन करने के लिए। द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स, और जो किसान लोग हैं वो भी क्या करेंगे, विल बी मेड द स्टोर वाटर, वो पानी को इकट्ठा करेंगे इन देयर फील्ड्स, अपने अपने खेतों में, बाई बिल्डिंग मैड और बंड्स अराउंड देयर फील्ड, अपने खेत के चारों ओर मैड लगाकर और बंद लगाकर। मैड और बंद ये देसी भाषा के शुद्ध शब्द हैं, इनके लिए कोई प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं है, ठीक है। मैड एंड बंद, मैड होते नहीं, जैसे खेती है और उसके चारों तरफ जो एक चलने का रास्ता होता है थोड़ा सा ऊंचा सा होता है, उसी को मैड बोलते हैं। अराउंड देयर फील्ड्स, सिमिलरली उसी तरह से वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डिपेंड एंड क्लीन्ड, और उसी तरह से वाटर बॉडीज जो पानी के तंत्र हैं, लाइक कौन कौन से, कुआ है, तालाब है, विल बी डिपेंड, और गहरे हो जाएंगे और साफ हो जाएंगे। द ओल्ड डेम, और जो पुराने डेम बने हुए पुराने बांध हैं, विल बी रिपेयर्ड, उनकी मरम्मत की जाएगी। एंड न्यू डेम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड, और नए नए डैम बनाए जाएंगे। डैम का मतलब जानते हैं, जो नदी को पानी को रोकने का प्रयास करके उसे कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो थोड़ा सा रोक दिया जाता है उसको डैम बोलते हैं, अपने हिसाब से छोड़ना। अक्रॉस द रिवर कंट्री, अक्रॉस द रिवर जो पूरी नदी होती है उसके, सो दैट, ताकि वी कैन कंजर्व मोर वाटर, ताकि हम अधिक पानी का संचय कर सकें, संरक्षण कर सकें। व्हाट ए वंडरफुल सीन, कैसा सीन होगा, इट विल बी, ये जो होगा, व्हेन आवर वेल्स पाउंड एंड रिवर्स विल बी फुल ऑफ वाटर, जब हमारे नदी तालाब और कुएं पानी से भरे हुए होंगे। एंड द चिल्ड्रन विल बी सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड ऑफ देयर विलेज, और बच्चे भी नदी के तालाब के पानी में तैर देंगे वहां पर, कितना अच्छा सीन होगा। द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड, और ट्यूबवेल भी ऑटोमेटिकली रिचार्ज हो जाएंगे। एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल हमको पानी देते रहेंगे। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं यहां मेंशन करूंगा या उल्लेख करूंगा, दैट द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती। सिमिलियरली उसी प्रकार से साउटिंग स्लोगन्स, स्लोगन को चिल्लाना, विल नॉट बी ऑफ एनी हेल्प, ये कोई हेल्प नहीं होती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एवरीबडी, पानी सबके लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी, प्रत्येक इंक्लूडिंग मतलब हम बच्चे भी उसमें शामिल हों, शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, बच्चों को भी हमको भी इन सब में प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। आई हैव सीन ऑल द पीपल वॉलंटरली कमिंग, मैंने देखा है लोगों को स्वैच्छिक रूप से आते हुए आगे, एंड वर्किंग हैंड इन हैंड फॉर दिस नोबल कॉज, और इस अच्छे काम के लिए उनको आगे आते हुए हमने उनको देखा है, इस नेक काम के लिए उनको आगे, नोबल कॉज का मतलब इस अच्छे नेक काम के लिए आगे आते हुए। हो, उम्मीद करता हूं, यू विल बी बेनिफिटेड विद वाट आई हैव रिटन इन दिस लेटर, उम्मीद करता हूं कि तुम लोग जरूर फायदा लोगे जो मैंने कुछ लिखा है इस लेटर में, उससे तुमको लाभ होगा। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ शेयर करें इस चीज को। कीप राइटिंग लेटर्स, लेटर लिखें टू गेट इंफॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, और ज्वलंत समस्याओं पर और भी लिखें, हैं? आगे देखिए लास्ट कैसे किया है उसने। प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, मेरे परिवार के सभी को मेरा सम्मान देना, योर कजिन आकाश। ये एक लेटर लिखा है आकाश ने अपनी बहन पूजा के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, और इसके साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूं, तो जाइएगा मत छोड़ के। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग देखिए, जो न्यू वर्ड्स होते हैं, न्यू वर्ड्स का मतलब होता है इस चैप्टर में आए हुए पहले नए वर्ड जो पिछले चैप्टर में नहीं है। तो पहला शब्द है कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, किसी चीज को संरक्षित सुरक्षित रखना। इनॉग्रल, इनॉग्रल का मतलब उद्घाटन। एडवर्सली, एडवर्सली मीन प्रतिकूल रूप से। स्केयरसिटी, अभाव। माइग्रेट, अन्य स्थानों पर जाना। अगले पेज पे आओ। ओवर क्राउडेड,
ओवर क्राउडेड मीन्स लोगों से ठसाठस भरा हुआ, मतलब भीड़ ज्यादा भरी हुई। ठीक। एकोमोडेट, एकोमोडेट मीन्स ठहरने की पर्याप्त तो सुविधा। रूथलेस, ये रूथलेस है, रूथलेस मीन्स कठोर। वॉलंटरीली, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। ये सभी वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा इन सबको, और याद भी करने हैं आपको। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के लिए। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए मैंने अपने हाथ से लिख के तैयार किए हैं, तो मैं उसी को बताऊंगा आपको, बहुत सरल भाषा में है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डज आकाश लिव। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसका आंसर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा। तो इसका आंसर देखिए, आंसर देखिए, आकाश लिव्स इन विसारा विलेज, जो विसरा विलेज है उसमें रहता था आकाश। ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ द विलेजर्स, ग्रामीणों की क्या समस्या थी, व्हाट डिड दे डिसाइड टू डू, उन्होंने क्या करने का निर्णय लिया। देयर वाज ए शॉर्टेज ऑफ वाटर, वहां पानी की अभाव की था इन द विलेज, उस गांव में। द विलेजर्स डिसाइडेड टू सेव ईच एंड एवरी वाटर ड्रॉप ड्यूरिंग द मानसून। मानसून मीन्स वर्षा के दिनों में पानी की एक एक बूंद को बचाने का ग्रामीणों ने निर्णय किया। बहुत सरल भाषा में है, इसी तरह से आप इनको कॉपी में उतार लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के। और आपको यही आपको अपने एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तीसरा क्वेश्चन देखें, विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द विलेज, गांव में कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया, लागू किया गया। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, इसको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करना है, चाहे तो इसको ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं। वाज लॉन्च्ड इन द विलेज, गांव में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन, द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, इसका अर्थ देख लीजिए, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन शब्द का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। वर्ड कंजर्वेशन मीन्स, जो शब्द है कंजर्वेशन, उसका मतलब होता है टू सेव समथिंग, किसी चीज को बचाना। इट कैन बी नेचुरल रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स भी हो सकते हैं, जैसे पानी है, ऊर्जा है, मिट्टी है, पेड़ है और पशु पक्षी हैं, जो भी हैं, इन सब को बचाना कंजर्वेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन, कौन कौन से क्रियाकलाप किए गए पानी या जल संरक्षण के कार्यक्रम के दौरान। आंसर देखिए इसका, फॉलोइंग एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये निम्न कार्यक्रम है, तो मैंने तीन लाइन लिखी है इसमें, इन सबको पूरा लिखना है। आंसर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बड़े बड़े आंसर भी आपको याद करने होंगे और लिखने होंगे, और लिख लिख के याद करें आपको, इससे अच्छी प्रैक्टिस बनेगी आपकी। तो पहला पॉइंट है इसमें, फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड, किसान पानी को अपने खेत में स्टोर करेंगे या रोकेंगे, मतलब पानी बह के ना चला जाए। वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन, जो कुएं और तालाब हैं उनको गहरा किया जाएगा और उनको साफ किया जाएगा। ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस रिवर्स, जो पुराने डैम हैं उनको रिपेयर किया जाए और नए डैम को बनाया जाएगा सभी नदियों पर, जहां जहां भी है। तो ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अभी और आपका अभ्यास कार्य बाकी है, उसके लिए जाइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक, तभी आप पूरी चीज समझ पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, जो यहां से आता है, ये आपकी बुक में आ जाओ, वो तो मैंने कॉपी में लिख के बता दिए, इधर से देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ए डैम इज, एक डैम होता है, क्या होता है डैम, नदी होती है, तालाब होता है, या कुआ होता है, या बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर। तो ये आंसर इसका ठीक है, ये डैम जो होता है एक बड़ी सी दीवार होती है नदी के इस पार से उस पार तक पानी को रोकने के लिए। तो इसका ए डैम इज ए बिग वॉल अक्रॉस ए रिवर। दूसरा देखिए, ए स्लोगन मीन्स, स्लोगन का मतलब क्या होता है, वर्ड और फ्रेज गिविंग मैसेज
ये कोई शब्द या कोई वाक्यांश ऐसा हो जो मैसेज देता हो, सेंटेंस यूज इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में कोई सेंटेंस प्रयोग किया गया हो, डायलॉग्स इन ए फिल्म, कोई फिल्म का डायलॉग होता है, एक काइंड ऑफ गेम, एक प्रकार का कोई गेम होता है स्लोगन। बोले नहीं, इसमें ए वर्ड और फ्रेज गिविंग मैसेज, ये कोई शब्द हो या फ्रेज हो जो एक मैसेज देता हो, वो आएगा यहाँ पे। द वर्ड कंजर्वेशन मीन्स टू, कंजर्वेशन मत का मतलब क्या होता है, वेस्ट समथिंग किसी चीज को बर्बाद करना, यूज समथिंग किसी चीज का यूज करना, सेव समथिंग किसी चीज को बचाना, मेक समथिंग किसी चीज को बनाना। तो इसका सही आंसर है सेव समथिंग, ये वाला। ठीक, आगे चलें। ये वर्ड पावर है, वर्ड पावर आपकी शब्दावली को, वोकेबलरी को बहुत अच्छा करेगी। इसको छोड़िएगा मत, हर चीज मेरे साथ पढ़िए, आपको नया मिलता रहेगा। चूज द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट अगेंस्ट सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिया गया है। ये इतने सारे वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड्स को यहां से लिया गया है, इनमें वर्ब है, नाउन है, तो क्रिएट है, क्रिएट का मतलब है किसी चीज को पैदा करना, ये क्रिया हो गई, और क्रिएटर पैदा करने वाला, ये नाउन हो गया। इसी तरह से इन वर्ड्स से आपको नाउन निकालना है। डेडिकेट, डेडिकेट का मतलब समर्पण, ठीक, और इसका बनेगा डेडिकेशन। नो, नो मीन्स जानना, नॉलेज। प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन्स पैदा करना, और प्रोडक्शन उत्पादन। फेल और फेलियर, फेलियर माने निराश हुआ या फेल हुआ, असफल होने वाला। लाफ, लाफ से बना लाफ्टर, और इंजॉय से बना इंजॉयमेंट। वीडियो रोक के दोबारा देखें आराम से, पूरी चीज समझें, ये वर्ड पावर बहुत काम आएगी आपको आगे चल के। मेरा अलग से वीडियो भी है जो वर्ड फॉर्मेशन के नाम से है, वहां पे आपको देख सकते हैं वर्ब से नाउन, नाउन से प्रोनाउन, ये सब कैसे बना करते हैं, तो वहां से देख लेना एक बार। और वर्ड फॉर्मेशन, इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से देख सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन टू कंप्लीट द पैराग्राफ। ये एक स्टोरी दी गई है नीचे, इसको पढ़ना है और इसमें से आपको शब्द लेने हैं। थर्स्टी मीन्स प्यासा, वॉश मीन्स धोना, फ्लोर मीन्स फर्श, बाथ मीन्स नहाना, स्कूल माने स्कूल, वोक मीन्स जगह, रेंग माने बजना, घंटी का बजा सेकंड फॉर्म है, किचन वाटर, और फिलो माने बहना। अब इन शब्द को यहां पे लगाते हैं। वन मॉर्निंग, एक सुबह, वेन गीताज मदर वेंट टू द, गीता की माँ गई। अब यहां कहां गई, माँ है और गई है, तो यहां जाने के लिए या तो स्कूल लगेगा या फिर किचन, लेकिन माँ घर पे है अभी। और एंड टर्न्ड ऑन द टैप, अब टैप को, नल को खोलेंगी, नल को कहां खोलेंगी, किचन में, इसलिए हमारा पहला वर्ड यहां पे किचन आ जाएगा, किचन को यहां पे रखें। एंड एंड टर्न्ड ऑन द टैप, नल को ऑन किया उन्होंने। देयर वॉज नो वाटर, कोई पानी नहीं था वहां पर। हाउ कैन आई मेक टी विदाउट, बिना पानी के टी कैसे बन जाएगी, तो वाटर शब्द को उठा के यहां पे लाना है दूसरे वाले में। सी कंप्लेंट, उन्होंने शिकायत दर्ज की सून फादर को, हैं? वोक अप, ये वोक यहां पे आ जाएगा, वोक मीन्स जगा कर उनको। ही ऑल्सो टर्न्ड ऑन द टैप, उन्होंने भी टैप को ऑन किया, मतलब नल को चलाया। देयर इज नो वाटर, कोई पानी नहीं था। ही सैड, उन्होंने कहा हाउ कैन आई, हाउ कैन आई। अब बात ये यहां पे ले लो, बात विदाउट वाटर, बिना पानी के हम कैसे नहा सकते हैं। द डोर वेल, द डोर वेल, अब डोर वेल बजती है तो बजने की ये सेकंड फॉर्म, रैंग। एंड द मेड केम इन, और काम वाली अंदर आई। सी बिगन टू ग्रम्बल, बिगन टू ग्रम्बल, हाउ विल आई, हाउ विल आई वॉश द डिशेज, द वॉश यहां पे लगाएं, ये जो वॉश है, मैं कैसे बर्तन धोऊं एंड कपड़े धोऊं। एंड द मोप द फ्लोर, मोप का मतलब होता है पोंछा लगाना, किसको, फर्श को, तो फर्श कहाँ है, फिलो, फ्लोर ये रहा, फ्लोर यहां से लाके यहां रखना है। बाई देन, तब गीता वाज रेडी फॉर, गीता तैयार हुई कहाँ के लिए, स्कूल के लिए तैयार हुई। सी कुड नॉट फिल हर वाटर बॉटल, सो पानी की बोतल नहीं भर पाई। एंड क्राइड, चिल्लाई, आई विल बी, आई विल बी क्या है, लेट हो जाएगी, ऑल डे, आई विल बी ऑल डे, हाँ पूरे दिन वो कैसी रहेगी, प्यासी रहेगी, थर्स्टी, आई विल बी थर्स्टी ऑल डे।
जस्ट देन द वाटर बिगन टू, तभी क्या हो गया, बिगन टू लगता है किसी काम को शुरू होने के लिए, फ्लो फ्रॉम द टैप, टैप से पानी गिरना शुरू हो गया। मदर स्माइल्ड, माँ मुस्कुराई, एंड एवरी वन बिगन टू डू ऑल दे वर वांटिंग टू डू, जो भी लोग काम करना चाहते सभी ने अपना काम करना शुरू किया। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसको और दो तीन बार बनाइएगा, बोलिएगा, बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। और मैं आपकी ग्रामर क्लास भी स्टार्ट कर दी है मैंने, और इंग्लिश स्पीकिंग की भी क्लास आपको मिलेंगी, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। अगले पेज पे अभी और एक्सरसाइज है, उसको भी देखते हैं। ये लैंग्वेज की प्रैक्टिस करो यहां से, मेक सेंटेंस विद मोर देन फ्यूर देन, मोर देन का मतलब कुछ अधिक, फ्यूर माने कम के लिए, यूजिंग द टेबल गिवन बिलो। अब इसके साथ आपको कैसे बनाना है, देयर आर मोर बुक्स, ठीक है, एक बार फ्यूअर के साथ एक बार मोर के साथ सेंटेंस बनाने हैं। देयर आर मोर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट टेबल, ये ऐसे करके यूं गया यूं गया यूं, ऐसे समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। फिर बनाइए, देयर आर फ्यूअर बुक्स ऑन दिस डेस्क देन ऑन दैट डेस्क। तीसरा देखिएगा, देयर आर मोर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड। चौथा सेंटेंस देखिए, देयर आर फ्यूअर लेटर्स इन दिस वर्ड देन इन दैट वर्ड, मतलब मोर फ्यूअर दोनों के साथ एड हो सकता है, कहीं एक जगह कम के लिए एक जगह ज्यादा के लिए। अगला देखिए, पांचवा सेंटेंस इसका बनेगा, देयर आर मोर बॉयज इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। लास्ट सेंटेंस एक और निकल सकता है इसमें से, देयर आर फ्यूअर बॉयज इन आवर क्लास देन इन द अदर क्लास। और लास्ट ये है, ये टेहरी डैम के बारे में दिया है, डैम से संबंधित है, इसको आप अपना यूट्यूब से किसी माध्यम से इस डैम का पूरा डिटेल देखिएगा, वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर। वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स से करवाएं, शेयर जरूर करें, और फैमिली में दो तीन चार जो भी फोन है उनके उनसे भी इसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, टिल देन टेक केयर।